Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So class 3 we are going to do our question and answers. Theek hai? Topic hai the earth as a living planet aur hum aaj karenge question and answers. So let's read it. Question number 7, describe what a habitat is. हमने बताना है कि हैबिटेट किसे कहते हैं. गिव एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट्स और उसके अलावा हमने हैबिटेट्स की एग्जांपल्स भी देनी है. पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं हैबिटेट की. अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स. हैबिटेट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे जानदार रहते हों. ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. पोलर हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, रिवर हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट एंड ओशन हैबिटेट. ये 5 एग्जांपल्स हैं हैबिटेट्स की. ठीक है, पोलर हैबिटेट में हमने पता है कि बहुत ठंडा होता है. फॉरेस्ट, जंगल, रिवर, ठीक है, डेजर्ट एंड ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डज लैक ऑफ वाटर एंड एक्सेस वाटर अफेक्ट हैबिटेट्स. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पानी का कम होना और पानी का ज़्यादा होना कैसे अफेक्ट करता है हैबिटेट्स को, उसके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है. तो आंसर है लैक ऑफ वाटर कॉजेज ड्रॉट कंडीशन. पानी के कम होने से जो है वो कहत हो जाता है एंड डिफ़िकल्टी फॉर इरिगेशन और उसके अलावा ज़रात में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है. वाइल जबकि एक्सेस ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा होना कॉजेज फ्लड्स. पानी के ज़्यादा होने से, बारिश ज़्यादा होने से फ्लड्स आते हैं, सैलाब आता है. लॉन्गिंग्स एंड सैलिनिटी, उसके अलावा जो ज़मीन होती है वो भी खारापन उसमें आ जाता है. ठीक है, थैंक यू. ये आपने क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक पर राइट करने हैं और इसको आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू क्लास.